दस्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज, फिर से रिश्तों को दिया मैंने सहारा कैसे, कैसे जिस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे। अपने पैसा रखो अपने पास, अगर ना आ सको तो ना आओ, हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी जरूरत है हमें, तुम्हारी। मना करते हो, खबरदार जो किसी ने एक पाई भी भेजने की कोशिश भी की, जो करना होगा हम खुद कर लेंगे। सलीम भाऊ की बारात थी आज, और निकाह है उसका। जिसकी मोहब्बत में मैं गलियों का बंजारा फिरा पड़ता था, तकदीर किसी पर इस तरह से भी मेहरबान हो सकती है कि जिसे चाहा वो यूं सामने आ जाए। घुंघरू की सनखा से ऐसे नफरत हो रही थी जैसे किसी साहिब को से हो। पहले की बात और थी, अब हमारी बहू सायरा आ गई है, खबरदार समझा दो उसके सामने हमार बिस्ती ना करें। सारदा बिटिया, सारदा जी। अम्मा जी सलाम करें बेटा सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फजर की अजान भी हो गयो, नमाज भी हम पढ़ लिया, जाओ तुम सबको जाके जगा दो नमाज के लिए। जाओ कहना अम्मा जान कह रही, उठो और नमाज पढ़ो, दिन अच्छा गुजर। अम्मा जी ये जो फर्ज आप अदा करती थी ना हमें फजर के टाइम जगाने का, ये जिम्मेदारी अब आपकी बहू ने ले ली है, वो सबको उठा भी चुकी है। दोनों अच्छे काम हमसे हो गए तो सलीम की दुल्हन इतनी प्यारी है जी। शुक्र है मेरे मालिक, बस अकीला के बाद बड़े अरसे बाद हमने अपने हवेली में खुशी की लहर देखी। देख अच्छे घर की लड़कियां कैसी हो गई, खुद के कर खुद नमाज पढ़ रही है, जीती रहे, अल्लाह उम्र दराज कर, दूध और नहाए पीतो पर। अच्छा बात सुन जी, नमाज पढ़ ले तो उनको कहो कि अम्मा जान याद कर,
हमारे कोने भेज। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, जाओ साहब जाओ, हमारी चाय भेज दो। जी ठीक है भेज। और उठी कम बकत मारी के नहीं बन तो? नहीं वो नहीं उठी अभी। उठा उसको लात मार, पत्थर में बड़ी चोटी रहे, और हम भी चाय भेज। ठीक है जी। बंतो, अरे कंबखत मारी, उठ जा। अरे उठ गई तू? पान ना लेके आ हमरा, और चाय भी। बस ये बच्ची भी मुसलमान हो जाए हमरे हाथ, एक बहुत बड़ा फरीजा अता हो जाए। बस तो अच्छा सा लम्बा देख के इसको भी ब्याह दे, कम भक्ति मारी मुसलमान तो हो जाए पहले। अब से कहां से ढूंढे हम? अरे आजा। आप अजान? वालेकुम अस्सलाम। आपा जान, हमने खाला साजदा से आपकी सारी दवाइयों के बारे में पूछ लिया है, आपको कौन सी दवा किस वक्त देनी है। हम आपके लिए ये गरम गरम दूध लाएं, आपने हारमू दवाई ले लें। आपा जान, अब्बा हुजूर नमाज के लिए नहीं उठेंगे क्या? जगा देते हैं। हसन, हसन, उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर। अब हम बोल रहे थे कि आप फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या? नमाज का वक्त हो गया है। अच्छा, पढ़ लेता हूँ। लेकिन अबा हुजूर, अब आप उठ ही गए हैं तो नमाज भी पढ़ लें, और वैसे भी सुबह उठने से तो रिस्क में बरकत होती है ना। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ जब तक। अच्छा, तो मैं उठ जाऊंगा। में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है क्या मैं उठा सके। अब नहीं अब्बा हुजूर, हमारा वो मतलब नहीं था। अब हम कह रहे थे कि वैसे भी अब आप जाग तो गए हैं, तो आप नमाज पढ़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर सुबह का आगाज सजदे से हो बहुत सादत होती है ना। क्यों आपा जान? आप आ जाएं, हम आपके लिए गरम गरम नाश्ता बनाते हैं। उठ जाओ ना। ये सदा ऐसे रहे, चेंज हो जावे। अम्मा जी, आपकी बहू ने तो आज नहीं घर को इबादत का बना दिया। सुबह सुबह 5 बजे में जगा दिया, कहती है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर आइए, और हमारे साथ हसनैन को भी भेज दिया। पापा सब अबेला मचा के आए तुम,
हमारी तस्वीर में कलर डाल दिए। के बुरा किया ने? बहुत अच्छी बात, शुक्र करो उसको तो मुसलमान कर दिया। ये बात को बराबर कही आपने। फरंगी जैसी दाढ़ी रख के फिरे पूरे घर में। अरे फरंगी नहीं है, खाली कंजूस है, कंजूस। हाँ ये स्नैन तरह तरह की दवाइयाँ बनाता है, पता नहीं कैसे कैसे नुस्खे बनाते रहते। तेरी तो शकल भी कबूतर जैसी हो गई हो। लकी कबूतर, ये ऐसे उड़े ऐसे, अम्मा ऐसे ऐसे जब करके फिजा में उड़ते हैं और हमको देखे कहते हैं पप्पा, हम कहते हैं पप्पा। कबूतर बस, तुझे नाम भी ना आवे, लका कबूतर कहवे, लकी कबूतर। अरे अम्मा हमने इसको ये डाल दिया, वो फीमेल है ना अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो जीती अल्लाह, तू तो नहाओ पुतो पलो। अम्मा जी मैंने नाश्ता बना लिया, आप लोग सब नाश्ता कर लें, मैं जब तक आपा जान को ये दूध देकर आती हूँ। माशाल्लाह, आ रहे तुम चलो। बच्चे के पाए मंगवा लिए थे बेटा, अगर साथ में तिल वाले कुलचे हो जाते ना तो मजा आ जाता। सब कुछ तैयार, बस आप आ जाओ। बाबा देकर आइए दूध। बाबा बाबा, एक से जान ना छूटे, एक ना सुध दो सुध। हेलो बाबा, अल्लाह माफ, तौबा तौबा तौबा, पता नहीं के किस्मत लिखवा के आए हमारी बेटी, अल्लाह देहर तौबा। जी वकील साहब बताइए के मसलो। इसका तो कोई नहीं अम्मा जी, सेशन कोर्ट में तो हम केस जीत गए, पर उन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कर और कल तारीख। ठीक, हम सेरा को आपके साथ कर देंगे, फिर भी हमारी जरूरत पड़े तो हम हाजिर। नहीं नहीं, अभी आपकी कोई जरूरत नहीं, बस आप इन कागजात पे साइन करें। आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए जी, खुदा जाओ सर, वकील साहब को छोड़ के जो बेहतर है मां जी। आइए वकील साहब। तारी तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है, उठो, थोड़ा हिम्मत करो, पूरा घर तारा इंतजार कर रहे हैं, काम बिखरे पड़े हैं, वो हमार कपड़ा कब से धुलने वाला पड़ा है, उनको धो दो, उठो। अरे अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप, पापा को अभी आराम की जरूरत है और आपके कपड़े वो हम धो देंगे ना। आप किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, आप बिना झिझक हमसे कह सकते हैं। हम किस लिए आए हैं आप लोगों के लिए, हमारा फर्ज है। शाबाश बिटिया शाबाश, देखा इसे कमे बहू, यो होवे है बहू, पता नहीं तुम्हार चार लौंडों ने वलै जाकर कौन सी गोरियों के साथ शादी कर ली है। मजाल है हमार किस्मत में एक ही हाथ की पकी रोटी को,
जीती रहो, जीती रहो। ठीक है, हम कपड़े लाते हैं। अपने हर दर्द को दुनिया से छुपा लेते हैं, अपने हर दर्द को दुनिया से छुपा लेते हैं। हम भी तस्वीर पे तस्वीर सजा लेते हैं। हौसला तर के ताल्लुक का नहीं है लेकिन, हौसला तर के ताल्लुक का नहीं है लेकिन, आप कहते हैं तो दीवार बना लेते हैं। हमने सीखा ही नहीं शिकवे शिकायत करना, हमने सीखा ही नहीं शिकवे शिकायत करना, हम तो दागों को भी सीने पे सजा लेते हैं। अपने कांधे पे उठाते हैं जो सूली अपनी, अपने कांधे पे उठाते हैं जो सूली अपनी, हम उन्हें दिल के दरीचों में बिठा लेते हैं। उनसे हो जाए मुलाकात ये मुमकिन ही नहीं, उनसे हो जाए मुलाकात ये मुमकिन ही नहीं, जब भी दिल चाहे तसव्वुर में बुला लेते हैं। कौन कहता है हमें जेबी के हम शायर, कौन कहता है हमें जेबी के हम शायर, हम जो हर दर्द को शेरों में सजा लेते हैं। सहरा बेटी, बिटिया आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, हम तो बस सोने का इंतजाम कर रहे थे, इतने में मौसीकी की आवाज आने लगी तो सोचा जरा जाकर तो देखें कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। अरे बहुत अच्छा किया, आइए ये बैठिए, आपको अपने क्लासिकल गीत सुनाते हैं। वैसे भी आप शायरा हैं, मौसीकी से तो काफी लगाव होगा आपको। क्या गाती हैं मलका तरन्नुम नूर जहां। के हो रहे हो, के हो रहे हो साहरा बच्चे, आप यहाँ क्या कर रहे? अम्मा जी हम तो बस सोने लगे थे, इतने में मौसीकी की आवाज आने लगी, वो भी इतनी रात गए इतनी जोर से, तो हम बस नीचे उतर के देखने आ गए कि आवाजें कहां से आ रही हैं। देखा तो परेशान होने की जरूरत ना, इस घर में बड़े बड़े नमूने मिलेंगे तुम। नमूनों से क्या मुराद है आपकी?
इससे पहले कि हम तुमको बता दें कि तुम नमूना हो इस घर में सबसे बड़ा, खामोशी से कमरे में जाके सो जाओ और खबरदार आइंदा इस वक्त हमारी बच्ची को तंग किए या इतनी ऊंची ऊंची मौसीकी लगाई, हमसे बुरा कोई ना होगा। जो होगा मम्मा जी आपको। खबरदार हाथ छोड़ के जाओ, खुद चल लेगी वो, बदतहजीबी हमसे बिल्कुल बर्दाश्त ना। शर्म ना आवे गोटे वाली वास्केटा पहन के घर में फिरे बच्चियां के सामने, कबूतर उड़ा उड़ा के शक्ल भी कबूतर जैसी हो गई। जाओ नन्नी जाओ, तुम भी आराम करो। जी अम्मा जी। कुछ ना हो गए अभी हम जिंदा हैं। जा 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 साहब, आराम कर। पागल दिमाग खराब, कबूतर उड़ा उड़ा के शक्ल और दिमाग दोनों कबूतरा जैसे हो गए। तौबा, हवाओं में दिमाग चलते रहा। मैं अरे हमारे कान में काहे लोरी सुनाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम शेरा। अम्मा जी हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में क्यों? वो अम्मा जी इसलिए कि हाई कोर्ट ने जमीन का फैसला हमारे मजारों के हक में कर दिया। अम्मा जान अब क्या होगा, जमीन के पैसों से तो ये घर चल रहा था। अरे जमीन के पैसों से ना, अल्लाह चलावे सबको, ये घर भी अल्लाह चला रहा। इंशाल्लाह अम्मा जान बिल्कुल बजा फरमाती हैं आप, लेकिन उनके मान मजारों को भी तो कुछ सबक सिखाना होगा कि नहीं। अरे नवाब साहब, सबक तो हम उन्हें ऐसा सिखाए जिंदगी भर याद रखें। पके कहें तुम्हारी अम्मा ने हमरे हाथ बांध रखे। हाथ बांधने पे तुम रही हाल, हाथ खोल दिए तो क्या करोगे। अरे अम्मा असनैन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अम्मा अदालतों से इंसाफ नहीं मिलने वाला, इन बदमाशों से दो दो हाथ खुद करने होंगे।
अरे हमने तो अपने इलाके के बड़े बड़े बदमाशों को सीधा कर दिया है। हमसे ऐसे डरते थे जैसे कौवा गुड़ैल से डरता है। अपने आप को ठीक ना कर सको। अरे अपने ठाठ ही अलग थे अपने इलाके में बिटिया, क्या बताए तुम्हें। गुजरते थे तो हर जगह सलाम होते थे, अरे नवाब आ गया नवाब, ए अंदर हो जाओ नवाब आ गया। खूब देखे हम तुम्हारे ठाट और बाट भी, देखे हम अच्छे तरीके से देखे, बेकार लोगों के कूठाट बाट ना हो गए, आई समझ। अरे 100% दुरुस्त फरमाया आपने अम्मा जान। बात सुनो सारा बिटिया, असल में बात यूं है कि ये जो नवाब साहब है ना, इनमें नवाबों वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ बातों के नवाब है, बातों के। सिर्फ एक चीज है इनमें, छोड़ते बात है, वो भी लंबी लंबी। क्या समझे? और तुम सिर्फ नाम के हकीम। हसनैन भाई बस भी करें, इतनी बेइज्जती करेगा मेरे नवाब अली की। तू बता दे कितनी करें, उतनी करवा लेंगे। बावले सारे जा बच्चे जा, अपनी सास को जाकर दवाई खिला, इन्हा की बातों में तो जिंदगी गुजर जा, कोई हल हासिल ना हो। हाँ अम्मा जब बोले हाँ तो मुंह से फूल झड़े। हाँ तो झड़े हैं ना, तभी तो तुम लोग यहाँ बैठे हो। इकट्ठे कर लो, बहुत से फूल इकट्ठे कर लो, यहाँ पड़े। इमाम अम्मा सारी आज मुझको सारी अम्मा, तू इन फूलों के हार बना और अपने गले में खुद डाल ले। जा जा जा, चुप कर। के हवलदार साहब खैर तो है ना, बड़े बुझे बुझे नजर आ रहे हो। पहलवान जी क्या बताऊं, ये बच्चे जो है ये भी बाहर के मुल्कों में जाकर चौड़ी हो जाते हैं। अम्मा जी भी बड़ी परेशान है, वो भी यही कह रही है कि बच्चे बाहर जाके ना जब इन पे मगरब का रंग चढ़ जाता है ना, तो ये अपनी खानदान की कदरों को भूल ही जाते हैं। अब देखे ना ये सारे व्याह करके अपने अपने तो नुकरे लाके बैठ गए हैं, अब नदीम और सलीम ही बाकी रह गए हैं, देखो क्या बनता है। तो सलीम बाबू पर तो अम्मा जी को बहुत भरोसा है, और सलीम बाबू भी अम्मा जी को बहुत प्यार करता है। अब बात तो ठीक है, वैसे सलीम जो है ये अपने बाकी भाइयों से थोड़ा मुख्तलिफ है। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि वो जमीनों के मुकदमे का क्या बना है। ओ केस का क्या बनना है, केस चल रहा है, आप तो जानते ही हैं, दीवानी अदालतों के मुकदमे नस्लों तक चलते हैं, वो बंदा दीवाना हो जाता है, केस नहीं मुकते। ओ मैंने तो अम्मा जी को बोला है कि आप इनके ऊपर पर्चा कटवा दें, मैंने सारे टब्बर को थाने के अंदर बंद रहना करवाया, तो मेरा नाम भी हवालदार अलमदार नहीं। आहो ओए अम्मा जी कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, इसलिए कि अम्मा जी ने हमेशा जुल्म का नहीं सच का साथ दिया है और हमेशा हक पर खड़ी रही हैं। हाँ ये सिर्फ तो है हमारी अम्मा जी, बड़ी अजीम औरत हैं, तुम देखना अल्लाह उनको हर मामले में सुरखरू करेगा। ओला दस और मेरे भी माती मारी गई है, ओ माई हाजन का आज बिजली का बिल जमा कराना था, वो आखिरी तरीक है, बेचारी को जुर्माना ना पड़ जाए। मैं चलता हूँ फिर, रब रखा। रब रखा कोई गल नहीं, इस उम्र में ऐसा होता ही है यार, कोई गल नहीं है। Thank you.
बिटिया बात सुनो, जरूरी काम है। बात सुनो बेटिया, क्यों जड़ी बूटी जो है ना, इसको पकड़ो और इसको पानी में अच्छी तरह उबालना। जब पानी आधा रह जावे ना, तो उसमें डालने से तुम का तेल, और जब ठंडा हो जावे तो अपनी आपा जान का मालिश करना है, दिन में 3 बार। हाँ, फिर देखना तुम्हारी आपा कैसी हट्टी कट्टी हो जावे। हाँ, पकड़ो, जाओ। क्या कह रहा, क्यों उल्टी पट्टी पड़ा रहा है, क्यों हमारी बिटिया का नाम आया? हम समझे कोई अपनी दवा दारू को कूटने के लिए कह रहा, क्यों सकीला का नाम लिए तुम? क्यों सकीला का नाम लिए तुम? क्यों ना लूं? बीवी हम हमरी। तो हमरी बिटिया है, के हालात पे पहुंचा दियो। के कह रहा, के कह रहा? अम्मा जी, अब्बा हुजूर कह रहे हैं कि कोई दवाई बनाएंगे आपा जान की मालिश के लिए। ये दिखाना जरा दवाई, दिखा जरा, हम भी देखें के दवा बनाएंगे। 36 साल से पीछे के दवा बना रहे, ये दवा गई तुम्हारी चूल्हे भाड़ में। खबरदार खबरदार हसनैन, हम तुमका बताए दे रहे, तुम हमारी बेटियन के करीब भी फटके ना तो अच्छा ना होगा। ये हाल पे पहुंचा दिए तुम उसे। हमरी वजह से नहीं, औलाद की वजह से, जिसके बारे में सोच सोच कर उसकी ये हालत हो गई है। हम तो उसके लिए दवा तैयार किए हैं, नुस्खा तैयार किए हैं। मालिश हुए तो उसकी रगों में खून दौड़ेगा, जो थारी वजह से इस हवेली में रहने वाले हर शख्स का खुश हो जावे। हमरी वजह से खुशक है, ये तारी वजह से, तारे बच्चे थारे वजह से खराब हुए, वो हवेली तेरी वजह से खराब हुई, हम पूरा जमाना थारी वजह से खराब हुए, समझ आई? कौन खुशक किए तुम, खुशक किए कौन सबके? अब आगे ना सोचना, हम बताए दे रहे हसनैन, आगे ना सोचना किसके बारे में, और हाथ मा लगाना हमारी बेटियन को। तुम अपना नुस्खा उस पे आजमा रहे ताकि थारी वजह से ऊपर चली जाए, यहाँ जमीन पे नजर ही ना आवे। थारा मतलब है कि हमारी दवा में इतनी ताकत है कि खाने वाला ऊपर चला जावे, तो हम सबसे पहले थारे को दवा देंगे। ई वजह कि हम तुम्हारे हाथ से कभी पानी भी ना पिए, समझ आई तुमका? बदतमीज बदतहजीब, खबरदार खबरदार, जो तुम हमारी बच्ची की तरफ नजर भी उठा के देखे तो। समझ गया, सब समझ गया, थारी प्लानिंग सब समझ गए। मैं ना चाहे कि हमारी बीवी ठीक हो जाए, समझ के, सब समझ के। चल। ए, पागल, देख तुझे, हाय हाय, लग गई हमारी बिटिया के, देखा ऐसे पागल फिर रहे इस घर में। कोई बात नहीं अम्मा जी, हम ठीक हैं। अरे बच्ची को मार के चला गया हो, बदतमीज, इधर आ, हम तुमका बताएं। बदतमीज, हाय जोर से लगे बच्चे, हाय हाय जोरों की लग गई, सत्यानाश जाए इसका कमबख्त मार के। ये देख, ये देख की नमूने हम पाले इस हवेली में, बस ये देखें हम तो, मनहूस मारा, इधर आ, हम बताएं तुझे, हैं हदा से गुजर गए बदतमीज। तो हमने हवेली में रहने की जगह दी हुई, ऊपर से देख जरा। माफ करते बेटी, हमें माफ करते। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? ये हमका माफ करते हो, ये बंदर हम पाले, ये की किसी बात का एतबार न करना, खास तौर पे किसी जड़ी बूटी पे, समझ आई? ये उल्टे सीधे काम करे, बिल्कुल भी ना सुने इसकी बात कभी को। सकीला अपनी आपा को खाना दे दो। नहीं अम्मा जी, वो खाना तो नहीं खा रही थी, लेकिन हमने उन्हें चाय और रस दे दिए और साथ में दवाई भी दी। कह रहा था आपा जान को विलायत भेज दे, उनका इलाज वहां ठीक तरह हो जाएगा, लेकिन हमसे आपा जान की ये हालत नहीं देखी जाए। हम आपसे इल्तिजा करते हैं अम्मा जी, आप आपा जान को इलाज के लिए भिजवा दीजिए ना। देखो बात सुनो अम्मा, ये बहुत बड़ा जुल्म हुए है थारे होते हुए, हमरा बुलावा ना आवे इंग्लिस्तान का, सिर्फ सकीला का बुलावा आवे है, थारे दिल को कुछ ना हुए। सच पूछो तो वो मुझसे भी ज्यादा मुझे चाहते, उनको मेरे किसी भी शौक में हायल होने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, आखिर शादी से पहले के आशिक हैं तुम्हारे। शेरा जी, हम यहाँ दुश्मन बनकर नहीं आए, हम हार गए,
और अम्मा जी जीत गई हैं। खुदा के वास्ते हमें अम्मा जी से मिलवा दो, हमने अम्मा जी से माफी मांगनी है। ओए अम्मा जी से माफी तो तुम्हारे अब्बा जी ने भी मांगनी थी। जय